सो स्टूडेंट्स, दिस इज दीपक ठाकुर हेयर. ठीक है, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम प्रिपरेशन टिप्स अबाउट सीसेट एग्जाम. एंड मैं आपको बताऊंगा भी कि उसका सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या होता है. ठीक है, और कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो आपको इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपने पढ़ने हैं, मतलब जिन पे आपने ज़्यादा फोकस करना है. ऐसा नहीं है कि मतलब आपने बाकी टॉपिक्स जो हैं वो छोड़ देने. ठीक है, पढ़ना आपने सारा है, बट कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिस पे थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा फोकस करना है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपका हर बार आता है. ठीक है, अगर देखो हम बात करें आपके सीसेट एग्ज़ाम की. ठीक है, जो आपका सीसेट का एग्ज़ाम होता है, सभी को पता है कितने क्वेश्चन होते हैं उसमें? पता? हाँ जी, पता है किसी को कितने क्वेश्चन होते हैं सीसेट के एग्जाम में? 100 या 80? सर 80 क्वेश्चन होते हैं ना. देखो, जो आपका सीसेट का एग्जाम है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, 80 क्वेश्चंस हैं. आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस, ये 80 क्वेश्चंस आपके 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं. कौन कौन से 3 पार्ट्स होते हैं आपके? एक होती है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, एक होता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और एक होता है आपका लॉजिकल रीजनिंग. ठीक है, अगर हम बात करें देखो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, तो अप्रोक्सीमेट 25 to 30 क्वेश्चंस जो हैं वो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के होते हैं. ठीक है, आफ्टर दैट, प्लीज म्यूट कर लीजिए आप, जो जिसका भी माइक ऑन है म्यूट कर लो. ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग, इन दोनों को मिला के आपके टोटल 50 क्वेश्चंस. ज़्यादा जो वेटेज रहती है वो रहती है आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, क्योंकि अगर आप बात करोगे 2020 के एग्ज़ाम की, तो वहाँ पे आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, यानी कि जिसमें मैथ्स होती है आपकी, अर्थमेटिक होती है, ठीक है, वहाँ से आपके अप्रोक्सीमेट 40 क्वेश्चंस आ गए थे. हालांकि यहाँ से आपके जो डिवाइड किया जाता है, इसकी वेटेज थोड़ी ज़्यादा है. अगर हम बात करें अप्रोक्सीमेट 30 लेकर चले, लॉजिकल रीजनिंग अप्रोक्सीमेट 20. एग्जैक्ट नंबर नहीं है, क्योंकि हर साल जो है वो आपके नंबर्स वेरी करते हैं. क्लियर? अब देखो यहां पे जो हम डिस्कस करेंगे, जो आज डिस्कस करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग के बारे में, कि इसका सिलेबस क्या है, कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं. ठीक है, अब अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, ठीक है, जो आपका अर्थमेटिक या मैथमेटिक्स आप बोल सकते हो, क्वांट्स, ठीक है, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा, या आप फैमिलियर होंगे सिलेबस के साथ, यूपीएससी सीसेट का जो आपका पेपर 2 है, एप्टीट्यूड का टेस्ट है, ठीक है, अगर आप उसके साथ फैमिलियर होंगे, तो आपको पता होगा जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है, इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस अर्थमेटिक चैप्टर्स एंड अदर चैप्टर्स लाइक डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, ठीक है, आपका मेंसुरेशन हो गया. ठीक है, इन चैप्टर्स से मिलकर आपका कंप्लीट एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर बनता है, जिससे आपके अप्रोक्सीमेट 30 to 35 क्वेश्चंस, लेकिन आप लेकर चलो तो 30 क्वेश्चन आपके सीसेट के पेपर में आते हैं. यस, हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा है? हाँ जी, यस बोलिए. अच्छा, आपको पता नहीं लगा. देखो फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ठीक है, जो आपका सी सेट का पेपर है, इट कंसिस्ट ऑफ 80 क्वेश्चंस एंड ऑफ 200 मार्क्स. ठीक है, तो ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का हुआ? 2.5 मार्क्स का. और जो आपकी 1/3 रहती है, वो रहती है आपकी नेगेटिव मार्किंग. क्लियर? अब जो ये 80 क्वेश्चंस हैं, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं. एक आपका आता है इंग्लिश, एक आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, थर्ड आता है आपका लॉजिकल रीजनिंग. ठीक है, इन 3 पार्ट से मिलकर जो है वो आपका बनता है सीसेट का पेपर. हालांकि ये जो मार्क्स हैं वो आपके कैलकुलेट नहीं होते हैं, बट आपको मिनिमम मार्क्स चाहिए फॉर क्वालिफाई दिस एग्जाम. पता होगा ये तो सभी को, कितने मार्क्स चाहिए होते हैं बताओ? 33, मतलब अप्रोक्सीमेट 67 मार्क्स जो है वो आपको
चाहिए इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। अब मैक्सिमम होता क्या है कि बच्चे पेपर वन में, यानी कि जो जीएस का पेपर होता है उसमें तो अच्छा कर लेते हैं, ठीक है, बट इसकी कट ऑफ क्वालिफाई नहीं हो पाती, या जो मिनिमम मार्क्स है वो क्वालिफाई नहीं होते। तो काफी बच्चे हैं ऐसे जो मतलब सीसेट का पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाते और जीएस में उनके काफी अच्छे मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको जीएस के मार्क्स के साथ साथ मतलब आप चाहते हो कि आप सिलेक्ट हो, ठीक है, तो आपको सीसेट का भी मतलब पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। इसको आपको लाइटली नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि करते क्या है कि जीएस में तो आप पूरी एनर्जी लगा देते हो, बट जो आपका रीजनिंग पोर्शन है, जो आपका सीसेट का एग्जाम है, ठीक है, उसको आप लाइटली ले लेते हो और एग्जाम में जो है वो आपका क्वालिफाई मार्क्स नहीं आते हैं, ठीक है। तो लाइटली नहीं लेना है। मैं आपको कुछ स्ट्रेटजीज भी बताऊंगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी बताऊंगा जहां पे आपने थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। अब देखो 66 to 67 मार्क्स अगर आपको चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, तो मतलब कितने क्वेश्चन आप मिनिमम सही करोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, बताओ। अप्रोक्सीमेट अगर आप 30 क्वेश्चन भी लेकर चलते हो आउट ऑफ 80, ठीक है, मतलब मिनिमम अगर आप 30 क्वेश्चंस करते हो, 30 के 30 क्वेश्चन सही करते हो, तो मतलब आप 80 में से 30 क्वेश्चन करके आप सीसेट का पेपर क्वालिफाई कर सकते हो। जिसका ही माइक ऑन है प्लीज म्यूट कर दो यार, ठीक है, डिस्टर्बेंस हो रही है। अगर आपकी कोई क्वेरी है देन आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो, ठीक है। अब देखो आपने क्या करना है, मिनिमम 30 क्वेश्चन आपने करने हैं, ठीक, लेकिन ऐसा नहीं कि तुक्के लगा देने, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। अब मैं बता रहा था कि जो आपका तीन जो पोर्शन हैं सीसेट के एग्जाम के वो डिवाइडेड हैं, जैसे अगर हम इंग्लिश की बात करें तो अप्रोक्सीमेट 25 से 30 क्वेश्चन, 25 to 30 क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश से आते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग से आपके टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। आउट ऑफ दीज 50 क्वेश्चन जो आपकी मैक्सिमम वेटेज होती है वो होती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, क्योंकि प्रीवियस 2020 और 19 के एग्जाम में देखोगे तो 35-40 क्वेश्चन भी आए हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से, ठीक है। हालांकि अप्रोक्सीमेट बोला जाता है कि 30 क्वेश्चन, 25 से 30 क्वेश्चन, वैसे यहां पे भी अप्रोक्सीमेट 20 से 25 क्वेश्चन वेटेज रखते हैं, ठीक है। अब यहां पे जो हम कवर अप करेंगे वो करेंगे, जो मैं आपको करवाऊंगा, दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। अब अगर आप फैमिलियर होंगे सिलेबस के साथ, ठीक है, अगर आपने पहले दिया है एग्जाम या फिर आपको थोड़ा सा आइडिया है, तो आपको पता होगा कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्या सिलेबस रहता है, कौन से चैप्टर्स रहते हैं, पता है आपको, पता है? 10th अप टू 10th क्लास तक का मैथमेटिक्स, ठीक है, जहां पे आपके कुछ अर्थमेटिक के टॉपिक्स भी आते हैं, ठीक है, कुछ आपके डाटा इंटरप्रिटेशन और आपके मेंसुरेशन वाले टॉपिक्स इंक्लूडेड रहते हैं, ठीक है, और इन सभी को मिला के आपका एक पूरा पेपर बनता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब जो 30 क्वेश्चंस हैं आपके आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस, ठीक है। उसके अलावा आपके आती है लॉजिकल रीजनिंग, रीजनिंग में जो बेसिक रीजनिंग होती है आपकी, ठीक है, आप वहां पे लगा सकते हो नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, ठीक है, इस तरह की जो आपकी रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, क्लॉक आ गया, कैलेंडर आ गया, डाइस आ गया, ठीक है, ये जो क्वेश्चन आते हैं ये होते हैं आपके लॉजिकल रीजनिंग के पार्ट, ठीक है, सिलोलिज्म और डायरेक्शन के क्वेश्चन आते हैं उसमें, है ना, ये क्वेश्चन आपके एलआर के पोर्शन में आ जाते हैं। अब जो ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इसमें जो आपके चैप्टर्स हैं, ठीक है, चैप्टर्स मैं आपको बता देता हूं और कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर, वैसे चैप्टर्स बहुत हैं, ठीक है, क्योंकि आपको अप टू 10th क्लास में काफी चैप्टर मिलेंगे। देखो सबसे पहले जैसे अगर हम बात करें आपका नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम आपका एक चैप्टर है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है एलसीएम, एचसीएफ, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है एवरेज का, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद आपका आ जाता है बोर्ड स्ट्रीम वाला, स्पीड डिस्टम डिस्टेंस टाइम वाला, टाइम एंड वर्क, डाटा इंटरप्रिटेशन जिसमें आप पाई चार्ट वगैरह पढ़ते हो, ठीक है, बार ग्राफ, ठीक, ये सारा जो आपका पोर्शन है। उसके बाद आता है एरिया वॉल्यूम वाला, जो आपका मेंसुरेशन का पार्ट है, ठीक, ये इंक्लूडेड जो है वो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। जो मेन पोर्शन है जो हम पहले कवर करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम जो है वो बाकी चीजें छोड़ देंगे, करना हमने सारा सिलेबस है, बट जो पहले हम कवर अप करेंगे वो हम करेंगे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, लाइक आपका नंबर सिस्टम से आपका क्वेश्चन आता है,
हर बार आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। नंबर सिस्टम के बाद, ठीक है, नंबर सिस्टम के बाद हम करेंगे एवरेज और परसेंटेज वाला, उसके बाद हम करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी स्पीड टाइम डिस्टेंस, ठीक है। स्पीड टाइम डिस्टेंस का करेंगे कवरअप, ठीक है। स्पीड टाइम डिस्टेंस के बाद हम करेंगे टाइम एंड वर्क, ठीक है। टाइम एंड वर्क के बाद हम डाटा इंटरप्रिटेशन का इंटरप्रिटेशन डीआई जिसको बोलते हैं उसका कवरअप करेंगे, जिसमें हम पाई चार्ट वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है, बार ग्राफ वगैरह जो आपके आते हैं वो सब हम जो है वो कवरअप करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, ठीक है। इसके अलावा आपका इंपॉर्टेंट वर्ड मास से भी आ जाता है, सिंप्लीफिकेशन से भी आ जाता है, बट वो हम बाद में करेंगे, पहले हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है, क्योंकि इन चैप्टर से आपकी वेटेज भी ज्यादा है और इन चैप्टर से आपके हर बार जो है वो क्वेश्चन आते हैं। इसमें एक दो चैप्टर्स और हैं जहां से आ जाता है कई बार, प्रॉफिट लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रॉफिट लॉस, यहां से भी कई बार आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज हम पहले करेंगे, उसके बाद हम बाकी जो चैप्टर्स आपके पेंडिंग है, ठीक है, वो चीज कवर अप करेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर चेक किए थे वैसे आपने, देखे थे, सॉल्व किए थे, किए थे सॉल्व, मॉक दिए थे, ठीक है। देखो अगर आपके मॉक टेस्ट में अप्रोक्सीमेट 80-100 मार्क्स आ रहे हैं ना, 100 मार्क्स लेकर चलो आउट ऑफ 200, 50% मार्क्स लेकर चलो, ठीक है, मॉक टेस्ट में, तो आप इजिली जो है वो फाइनल सीसेट का पेपर क्लियर कर लोगे, ठीक है। सिर्फ बोलने की बात है कि सीसेट का पेपर बड़ा एडवांस लेवल है, ऐसा है, बट देखो होता क्या है, अप टू 10th क्लास का मैथमेटिक्स जो हर एक बच्चे ने पढ़ा होता है, ठीक है, वो अलग बात है, अगर आपने नकल मार के 10वीं पास की है वो दैट्स डिफरेंट थिंग, ठीक है, बट पढ़ा तो होगा सभी ने कुछ तो। बाकी जो कोरोना वाले केसेस थे वो अलग हैं बच्चे, उनके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है, कोरोना बैच वाले, बट फिर भी पढ़ा तो होगा इन्होंने भी कुछ, ठीक है। तो 6th to 10th क्लास की तो मैथमेटिक्स है, बेसिक मैथमेटिक्स है, आपको अगर बेसिक चीज़ें आती हैं, ठीक है, क्योंकि एडवांस लेवल तक तो आप तभी जा पाओगे जब आपका बेसिक क्लियर होगा, ठीक है। आपको ये नहीं पता होगा कि रेशनल नंबर कौन सा होता है तो आप एग्जाम में सॉल्व कैसे कर पाओगे उसको, ठीक है। आपको ये नहीं पता होगा कि आपको एलसीएम कैसे निकालना है, फ्रैक्शन के एलसीएम कैसे निकालने हैं, एचसीएफ कैसे निकालने हैं, है ना। तो इसके लिए आपको जो है वो बेसिक चीज़ें, बेसिक से शुरू करना पड़ेगा, बेसिक चीज़ें करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है, अलॉन्ग विद ट्रिक्स एंड फॉर्मूलाज, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि आपको बुक्स कौन सी फॉलो करनी चाहिए, देखो सबसे पहले लगभग मैं आपको सारा कंप्लीट करवा दूंगा इंक्लूडिंग फॉर्मूलाज एंड ट्रिक्स, ठीक है, कुछ पेंडिंग नहीं रहेगा। फिर भी अगर आप चाहते हो कि सर हमें बुक चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो एक बुक आती है आपकी अरिहंत की ही, ठीक है, अर्थमेटिक की बुक है वो, ठीक है, वहां पे आपको काफी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके अलावा आप कोई भी ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज आप खरीद सकते हो, अप्रोक्सीमेट 10-20 मॉक टेस्ट आप उसको, मतलब हर महीने, मतलब आप ये लेकर चलो कि 5-5 मॉक टेस्ट भी अगर आप करते हो तो इजीली हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो मैं आपको कंप्लीट यहां पे करवाऊंगा डिटेल में ही, ठीक है, हाँ वो भी ठीक है, उसमें भी काफी क्वेश्चन है, आर एस अग्रवाल की भी ठीक है, ठीक है। देखो बुक्स का ऐसा कुछ नहीं है कि एक पर्टिकुलर बुक है उसी को ही पढ़ के सारे आईएएस बनेंगे, हाँ ठीक है, वो चॉइस करती है कि आपको किसकी लैंग्वेज इजी लगती है। अब कई बच्चे जिसको आर एस अग्रवाल अच्छी लगती है ना, कई बच्चे किसी को कोई दूसरी बुक अच्छी लगेगी, है ना, बट चॉइस आपकी है। मैं सिर्फ आपको एक बता सकता हूँ कि आप ये बुक फॉलो कर सकते हो, ठीक है।
अब जो जैसे मैंने आपको एक बुक बताई जो अरिहंत की, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, फास्ट ट्रैक सॉल्यूशन करके एक बुक है, ठीक है, ये वाली मैं आपको बता देता हूँ, ये वाली, ठीक है, अर्थमेटिक की। इसमें आपको ट्रिक्स, फॉर्मूलाज, क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक तो आप ये कर सकते हो, दूसरा आप आर एस अग्रवाल जो आप बोल रहे हो वो भी ठीक है, उसमें भी कोई इश्यू नहीं है ना। चॉइस आपकी है। किताब तो देखो पढ़ने वाला होना चाहिए, बुक तो कोई भी हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप पढ़ने वाले हो तो हर किसी भी किताब से पढ़ लोगे, बट आपको जस्ट एक मैं हिंट दे रहा हूँ, एक फॉर योर मतलब एक चॉइस के उसमें, कि अगर आप ये लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो अब अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ तक किसी ने अगर कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कुछ ना कुछ अगर पूछना हो। हाँ जी, है कोई? नो नो सर, ठीक है, ठीक है। अब अगर हम बात करें सबसे पहले नंबर सिस्टम की, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नंबर सिस्टम? हाँ भाई, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है, ग्रेजुएशन होगी आपकी, किसमें की है? साइकोलॉजी में। हाँ जी, बताइए क्या होता है नंबर सिस्टम, पता है किसी को? हाँ साइंस बैकग्राउंड का है यहाँ पे कोई? मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का कोई भी नहीं है? चलो देखो, जीरो टू इन्फिनिटी, गूगल से देखा आपने? जीरो टू इन्फिनिटी कैसे आ गया? नहीं, वो तो डिफरेंट नंबर्स हो गए, मैं तो नंबर सिस्टम की बात करी ना, जो आपकी डिजिट्स होती हैं, है ना। देखो सबसे पहले है नंबर सिस्टम क्या है, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। बेसिकली जो आपके नंबर्स होते हैं वो कहां से कहां तक तो होते हैं, जो डिजिट्स होती हैं, जीरो से नाइन। अब कोई भी नंबर है वो तो इन्हीं डिजिट से मिलकर बनता है, टोटल आपकी कितनी होती हैं? 10, जीरो से लेकर 9 तक 10 डिजिट, ठीक है। इन्हीं से ही मिलकर आपके इन्फाइनाइट नंबर बनते हैं, ठीक है, जितने भी आप बनाना चाहो, ठीक है। अब यहां पे नंबर सिस्टम क्या होता है कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर का मतलब जिसमें आपके होल नंबर भी आते हैं, नेचुरल नंबर भी आते हैं, इवन नंबर्स भी आते हैं, ऑड नंबर्स भी आते हैं, प्राइम नंबर्स भी आते हैं, रेशनल्स, इरेशनल, हर एक टाइप का नंबर जिसमें आता है, ठीक है, तो वो चीज हम पढ़ेंगे यहां पे, ठीक है। लेकिन वो सारे नंबर्स जीरो और नाइन, जीरो टू नाइन से ही मिलकर बने हैं, मतलब 10 डिजिट से ही मिलकर बने हैं, ठीक है। बट हम उनको क्लासिफाई कर देते हैं डिफरेंट सिस्टम में, जिसको हम बोलते हैं नंबर सिस्टम, कि आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स जो है वो इंक्लूडेड है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट, क्योंकि देखो मैं ये आपको बेसिक क्यों बता रहा हूं, क्योंकि नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, आपके सी सेट में ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि इनमें से कौन सा जो है वो होल नंबर है, कौन सा रेशनल नंबर है, कौन सा इरेशनल नंबर है। बट ये आपका बेसिक कंसेप्ट है, इसी के ही रिलेटेड आप नेक्स्ट चीज पढ़ोगे जो मैं आपको कराऊंगा, जिसमें आप एचसीएफ एंड एलसीएम पढ़ोगे, आप डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ोगे, ठीक है। तो उसके लिए जब आपको ये चीजें क्लियर होंगी तभी आप आगे जो है वो परसू कर पाओगे, ठीक है। अगर आपने नंबर्स के साथ खेलना है, देखो मैथमेटिक्स में क्या है, नंबर ही तो है। जब अगर आपने इफ यू वॉन्ट टू प्ले विद नंबर्स, तो आपको उस नंबर्स के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल होनी चाहिए ना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है आपका? नेचुरल नंबर। क्या होते हैं नेचुरल नंबर? हाँ
वन टू इन्फिनिटी, गुड, वन से लेकर एन नंबर्स तक, यानी कि वन टू इन्फिनिटी। जीरो आपका नेचुरल नंबर है क्या? नहीं है, ठीक है, ठीक है। नेचुरल नंबर आता है जो आपका वन से लेकर इन्फिनिटी तक होते हैं, दैट इज योर नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव नंबर्स। तो यहीं से पता लग रहा है, जीरो से बड़े हैं सारे, तो ऑल आर पॉजिटिव नंबर्स। सेकेंड आता है आपका होल नंबर। होल नंबर का क्या मतलब है? जहां पे आपका जीरो भी इंक्लूडेड है, मतलब जीरो से लेकर इनफाइनाइट नंबर तक, ठीक है, क्लियर, वो होता है आपका होल नंबर। उसके बाद आते हैं इंटीजर्स। व्हाट इज इंटीजर्स? हाँ जी, नेगेटिव नंबर्स, मतलब माइनस इंफिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है, कि माइनस वन टू थ्री जीरो, वन टू थ्री फोर, यहां तक आपके जो भी नंबर्स हैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, वो किस में आते हैं? आपके इंटीजर्स में। इंटीजर्स अब आपके डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर, एक होते हैं नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब जो वन से इन्फिनिटी तक है, ठीक है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि जो आपका ये है नेचुरल नंबर है वो भी एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, वन से इन्फिनिटी तक। और जो नेगेटिव इंटीजर है, ये तो पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर का मतलब जीरो से कम, ठीक है, मतलब माइनस वन से, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन, ठीक है, वो आते हैं आपके नेगेटिव इंटीजर्स में, क्लियर। उसके बाद आता है आपका इवन नंबर। क्या होता है इवन नंबर? हाँ जी, बताएगा कोई? व्हाट इज ऑड एंड इवन नंबर? नंबर विच इज डिवाइडेड बाय टू, ठीक है, जो नंबर आपका टू से डिवाइड होता है। इवन नंबर क्या आता है आपका? नंबर विच इज डिवाइडेड बाय टू, ठीक है, जो नंबर आपका टू से डिवाइड हो जाता है वो कौन सा होता है आपका? इवन नंबर, लाइक टू फोर सिक्स एट, इस तरह की जो सीरीज पैटर्न बनता है वो होता है आपका इवन नंबर। आफ्टर दैट ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर क्या होता है? नंबर विच इज नॉट डिवाइडेड बाय टू, यानी कि वन थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन, ठीक है, वो होते हैं आपके ऑड नंबर्स, क्लियर। ये इंपॉर्टेंट है, जब आप आगे डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ोगे ना, वहां पे आपके ये काफी हेल्प करेंगे, ठीक है, अगर आपको ये क्लियर है। उसके बाद आता है आपका प्राइम नंबर, वन ओनली, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो कि या तो वन से या फिर सिर्फ खुद से डिवाइड हो सके, वो होते हैं आपके प्राइम नंबर। अब बताओ व्हाट इज द मिनिमम प्राइम नंबर? सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? विच नंबर इज द लीस्ट प्राइम नंबर? हाँ जी, टू, यस, गुड। प्राइम नंबर हमेशा वन से ग्रेटर होता है, ठीक है, और टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है, क्योंकि टू या तो वन से डिवाइड हो रहा है या खुद से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो थ्री नहीं है। अगर आपको पूछा है कि लीस्ट प्राइम नंबर ऑड में, तो थ्री आएगा, बट सिर्फ पूछा है कि व्हाट इज द लीस्ट प्राइम नंबर, तो वो क्या आएगा? टू। टू एंड टू इज ऑल्सो एन ओनली इवन प्राइम नंबर, इसके अलावा कोई भी इवन नंबर आपका प्राइम नंबर नहीं है, गॉट इट, ठीक है। आफ्टर दैट उसके बाद आता है आपका कंपोजिट नंबर। बताइए क्या होता है कंपोजिट नंबर? हाँ जी, सिंपल सी बात है, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं विच इज नॉन प्राइम, नॉन प्राइम नेचुरल नंबर, वो नेचुरल नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, वो आते हैं आपके
कंपोजिट नंबर, और लीस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है आपका? फोर। यस, वन जो है आपका ना तो वो प्राइम नंबर है और ना ही वो आपका कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंट नंबर्स। इसके अलावा आता है आपके पास जो बचता है अभी, ठीक है, इसके अलावा आते हैं आपके रेशनल नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या होते हैं रेशनल नंबर? हाँ जी, ये बता, रेशनल नंबर होते हैं जो नंबर आपके p बाय क्यू फॉर्म में होते हैं। p बाय क्यू फॉर्म का मतलब क्या है कि p भी एक इंटीजर है, q भी एक इंटीजर है। जैसे कि अगर आप लिख सकते हो यहां पे 3/5, 3/5 क्या है आपका? एक रेशनल नंबर है। 2/3, 5/7, कुछ भी इस तरह से जो p बाय क्यू की फॉर्म में है, ठीक है, वो कौन से नंबर है आपके? रेशनल नंबर, ठीक है। एंड व्हाट इज इरेशनल नंबर बताइए? इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? नहीं पता? हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से कोई आंसर देना चाहे? हाँ जी, फिर से बोलना, क्या बोल रहे हो? सर, अंडर रूट्स में लिखे जाते हैं जो आपके p बाय q की फॉर्म में नहीं होते हैं, ठीक है, एंड रिटन एज लाइक अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, इस तरह से जो नंबर लिखे जाते हैं, ठीक है, यानी अंडर रूट 7 हो गया, इस तरह से जो नंबर आपके होते हैं वो होते हैं आपके इरेशनल नंबर। एंड व्हाट इज रेशनल नंबर? जो p बाय q की फॉर्म में होते हैं, और जो p बाय q की फॉर्म में नहीं होते हैं वो होते हैं आपके इरेशनल नंबर। क्लियर? गॉट इट? फिर आते हैं आपके रियल नंबर। व्हाट इज रियल नंबर? रियल नंबर होते हैं विच इंक्लूड्स बोथ रेशनल एज वेल एज इरेशनल नंबर, ठीक है। जो नंबर आपके रेशनल और इरेशनल दोनों को मिला के बनते हैं वो होते हैं आपके रियल नंबर। सो दीज आर द नंबर सिस्टम, टाइप्स ऑफ नंबर, ठीक है, कि आपके वेरियस टाइप्स होती हैं, ठीक है। अभी सही नहीं आएगा ये, चलो छोड़ो, ठीक है, कि वेरियस टाइप्स जो अभी आपने पढ़ी, ये सारा आता है आपका डिफरेंट नंबर्स में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स में, नंबर सिस्टम में, ठीक है। इसके अलावा अब आता है आपका जैसे अर्थमेटिक, अर्थमेटिक इन द सेंस कि नंबर्स की अर्थमेटिक का मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। तो देखो, आपने वर्ड मास तो पढ़ा होगा, मतलब सबसे पहले क्या होती है? डिविजिबिलिटी, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये तो जनरल चीजें कि ऐड करना नंबर को, सब्ट्रैक्ट करना, डिवाइड करना और मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब जो आपका एग्जाम में आता है क्वेश्चन, वो क्या आता है? इसके ऊपर डिविजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, यहां से जो है वो आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो हर साल आपको इसका एक या दो क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। आपको बोलेंगे कि एक नंबर है उसको आप 2 से डिवाइड करते तो बताओ रिमाइंडर क्या बचेगा, इस तरह का क्वेश्चन, या एक नंबर है वो 6 से डिवाइड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इट इज डिविजिबल बाय 6 और 9, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपने देखे। अब देखो, आपके दो चॉइस होती हैं, या तो उस पूरे नंबर को डिवाइड करो, ठीक है, क्या होता है, या तो जो भी एक 8-9 डिजिट का एक नंबर दिया है उसको डिवाइड करते जाओ, ठीक है, वहां से पता चल जाएगा, या फिर कुछ शॉर्ट मेथड्स होते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं आपकी, जिससे आप नंबर को देख के पता लगा लोगे, या कुछ उसमें छोटा सा ऑपरेशन करके पता लगा लोगे कि क्या ये डिविजिबल है इस नंबर से या नहीं है, ठीक है। वो डिविजिबिलिटी टेस्ट अभी हम चेक करेंगे कि अगर आपने कोई नंबर डिवाइड करना है 2 से,
ठीक है, कि कोई नंबर टू से डिवाइड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, वो कैसे चेक करते हैं आप? लास्ट डिजिट चेक करके। तो लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, या फिर इवन, या फिर या और, इवन और। इवन तो ठीक है, जीरो, ठीक है। चलो देखो, अगर आपने चेक करना है कि कोई नंबर टू से डिविजिबल है या नहीं, तो उसके लिए आपने सबसे पहले क्या देखनी है, लास्ट डिजिट। सपोज करो कोई भी नंबर है 4, 7, 8, 3, 2 या 8, 3, 6 मान लो, ठीक है। आपने क्या चेक करना है, सिर्फ लास्ट डिजिट। आपने इसको डिवाइड नहीं लग पड़ना करने की, टू से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, कर सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है, बट इट टेक्स टाइम, जो आपके पास एग्जाम में बहुत लिमिटेड होगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, सिर्फ लास्ट डिजिट देखी, लास्ट डिजिट इसकी 6 है, आपने देखा कि यस यार 6 तो डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो मतलब क्या है कि दिस नंबर डिविजिबल बाय 2, तो इसका रिमाइंडर क्या बचा, 0, ठीक है। वो रिमाइंडर वाला अलग कंसेप्ट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट अभी हम डिविजिबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 6 आपने देखा कि लास्ट नंबर 6 है, तो इसका मतलब ये डिवाइड हो रहा है 2 से। इसकी जगह अगर 0 होता, ठीक है, लास्ट नंबर 0 है, तो आपको पता कि लास्ट नंबर 0 है, ठीक है, तब भी मतलब वो नंबर क्या है, डिविजिबल है 2 से, क्लियर। तो डिविजिबिलिटी बाय 2 मतलब वो आप इस तरह से चेक कर लोगे, क्लियर यहां तक। उसके बाद आता है डिवाइड बाय 3, कि 3 से डिवाइड हो पाएगा कि नहीं। तो 3 से डिवाइड होने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट्स। इसके लिए कौन सी ट्रिक होती है, कि मान लो आपके पास यही नंबर दिया है, आपको बोला कि बताओ ये 3 से डिवाइड हो पाएगा या नहीं, तो आपने क्या किया, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर, जो आपको ये डिजिट्स दिए हैं, जैसे 4 है, 7 है, 8, 3, 6, 0, आपने क्या करना, इन डिजिट्स का क्या कर देना है, सम कर देना, मतलब कि 4 + 7 + 8 + 3 + 6 + 0, ठीक है। अगर वो नंबर का जो सम, सपोज करो कुछ भी आ गया, 35, 30, 25, 28 आ रहा है, ठीक है, आपने देखा कि वो जो सम आ रहा है डिजिट्स का, वो अगर डिविजिबल है 3 से, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा 3 से, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। रेदर देन सॉल्विंग कि आप इस पूरे नंबर को डिवाइड करो 3 से, आपने क्या किया, हर एक डिजिट का सम कर लिया, जो भी सम आया अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो मतलब वो नंबर भी डिविजिबल होगा 3 से, अदरवाइज नहीं होगा, क्लियर। ये था डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3, कि 3 का हम टेस्ट कैसे करें, क्लियर। इसके बाद आता है डिवाइडेड बाय 4, कि 4 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करें। 4 की डिविजिबिलिटी हम चेक करते हैं लास्ट के 2 नंबर की, ठीक है, जो यहां पे लास्ट में 2 नंबर दिए होंगे, किसी भी एक बड़े नंबर के लास्ट के जो 2 डिजिट्स होंगी, ठीक है, अगर वो डिविजिबल बाय 4 है, तब हम बोल सकते हैं कि वो पूरा नंबर क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। या फिर लास्ट की दोनों डिजिट्स क्या हैं, 0, या तो लास्ट की दोनों डिजिट क्या होनी चाहिए, 4 से डिविजिबल होनी चाहिए, या फिर लास्ट की दोनों डिजिट्स क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं, मतलब इनमें से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई करती है, तो इसका मतलब आपका जो नंबर है दैट इज डिविजिबल बाय 4, क्लियर। यहां तक किसी का कोई डाउट, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिवाइड बाय 5, यस, ये इसका सिंपल है। 5 के लिए क्या है, लास्ट डिजिट जो है वो आपकी या तो 5 होनी चाहिए या फिर 0, अगर इन दोनों में से कोई भी एक है, तो मतलब वो नंबर आपका 5 से डिविजिबल है, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिवाइड बाय 6,
बताओ सिक्स का कैसे चेक करोगे? यस एनीबॉडी? यस गुड। अगर वो नंबर आपका डिविजिबल है टू एंड थ्री से, टू का तो आपको पता ही है जो आपने ऊपर पढ़ा, क्या होना चाहिए कि लास्ट नंबर अगर आपका लास्ट डिजिट अगर आपकी टू से डिविजिबल है तो मतलब वो नंबर टू से डिविजिबल है। थ्री का कैसे बताया कि उस नंबर का, उस पूरे नंबर की डिजिट का सम कर दो, अगर वो थ्री से डिविजिबल है तो मतलब वो नंबर भी थ्री से डिविजिबल है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं कि आपका एक पूरा नंबर टू से भी डिविजिबल है और थ्री से भी डिविजिबल है तो इसका मतलब आपका नंबर डिविजिबल बाय सिक्स। क्लियर? सिंपल सी ट्रिक है, ज्यादा कुछ है ही नहीं सोचने का, ठीक है। और यहां से आपका मतलब 2.5 मार्क्स आपके कन्फर्म होते हैं, डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिवाइड बाय सेवन। बताइए वही तो बताना कि कैसे मतलब सेवन से कैसे डिवाइड होगा। हाँ जी बताएगा कोई? इसका भी सिंपल ही है वैसे मेथड, बताएगा कोई ऑनलाइन स्टूडेंट? देखो सपोज करो आपके पास एक नंबर है 658, छोटा नंबर लेते हैं हम, आपको बोला कि क्या नंबर ये सेवन से डिविजिबल है या नहीं है, तो आपने क्या करना है, डिफरेंस निकालना है किस किस का, जो वंस प्लेस पे जो आपका नंबर है उसका ट्वाइस, यानी कि टू इंटू एट, इसको माइनस कर दिया आपने किसके साथ, रेस्ट ऑफ द नंबर्स, ठीक है 65, ठीक है। तो जब इसका जो सम आएगा आपके पास जो भी आएगा सॉल्व करके, ठीक है, वो जो नंबर होगा अगर वो सेवन से डिविजिबल है तो मतलब ये पूरा नंबर आपका सात से डिवाइड कर जाएगा, ठीक है। एक आप ये वाली कंडीशन लगा सकते हो, ठीक। उसके अलावा आपके पास नेक्स्ट आता है डिविजिबिलिटी बाय एट, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी बाय एट बताओ। हाँ जी हाँ जी, आपकी आवाज नहीं, क्या बोला उसने? अच्छा देखो सपोज करो आपने एक नंबर लिया 658, ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि क्या ये नंबर आपका डिविजिबल है सेवन से या नहीं, तो आपने क्या करना है, जो फर्स्ट प्लेस पे यानी कि वंस, पता ना वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड इस तरह से, तो अगर जो वंस प्लेस पे जो आपका डिजिट है उसका ट्वाइस यानी कि टू इंटू दैट डिजिट, इसको आपने माइनस करना है रेस्ट नेक्स्ट टू डिजिट जो होंगी आपकी, यानी कि 65 है तो 65 माइनस 2 इंटू एट, ठीक है। जो भी नंबर आएगा यहां पे कितना आएगा, इसको सॉल्व करो 49 आएगा, तो 49 इज डिविजिबल बाय 7, तो मतलब 658 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7, दैट्स द कंसेप्ट। क्लियर? हाँ जी ठीक है। नेक्स्ट आता है डिविजिबिलिटी बाय 8। हाँ जी बताइए डिविजिबिलिटी बाय 8। बताओ एट से कैसे चेक करोगे आप कि नंबर आपका डिविजिबल है एट से कि नहीं? सिंपल है इसका, कोई भी नंबर आपका, ठीक है, सपोज कर लो 6 2 5 8 6, ठीक है,
आपने कैसे पता लगा रहे हैं कि ये नंबर आपका 8 से डिविजिबल है या नहीं है? आपने सिर्फ लास्ट की तीन डिजिट्स चेक करने हैं, यानी कि 586 बन गया। अगर 586 आपका 8 से डिविजिबल है तो मतलब आपका ये पूरा नंबर, जो भी नंबर है, इससे बड़ा भी नंबर हो सकता है, तो वो भी आपका क्या होगा, डिविजिबल होगा 8 से, ठीक है। या फिर लास्ट की तीन जीरो, तीन डिजिट आपकी क्या है, जीरो, तब भी आपका नंबर क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। क्लियर? ये था आपका डिविजिबल टेस्ट अप टू 8। फिर आता है डिविजिबल टेस्ट ऑफ 9। ठीक है, अब आपने बताना है कि 9 के लिए क्या ट्रिक हो सकती है। जैसे आपने 3 के लिए किया था, हाँ जी, क्या बोल रही है, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। यस, लगा बता क्या बोला, लड़की की बात नहीं बोल सकते, लड़कियों के, लड़की की भाषा समझो ना। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, एक बार हाँ जी सर, वो कह रही जो थ्री यूज की थी। हाँ जी, वही बोल रहा हूं मैं भी, कि जैसे आपने 3 के लिए चेक किया था वैसे ही 9 के लिए आपने क्या करना, कोई भी नंबर आपके पास उसकी डिजिट्स का सम, ठीक है, अगर उसकी डिजिट्स का सम डिविजिबल है 9 से, तो मतलब वो नंबर भी आपका क्या है, 9 से डिविजिबल है। क्लियर? ठीक है, लास्ट आता आपका डिविजिबल बाय 10। आपने बताना है कि क्या नंबर 10 से डिविजिबल है या नहीं। उसके लिए क्या है, लास्ट की जो आपकी डिजिट होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, जीरो। ठीक है, तो मतलब आपका नंबर 10 से डिविजिबल, तो इजी है, ठीक है, कि आपका कोई भी नंबर जो एंड हो रहा है विद जीरो, दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 10। ठीक है, ओके। इसके कुछ क्वेश्चंस भी हैं वैसे, किसका, सीजेट का, कब तक चाहिए आपको? देखो, सीसेट का जो आपका सिलेबस है, मैथ्स थोड़ी सी ज़्यादा है आपकी, ठीक है, और मैं आपको कंप्लीट पढ़ाऊँगा, मतलब बेसिक से, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों ने मैथ्स नहीं पढ़ा होता है, ठीक है, कुछ तो साइंस वाले होते हैं उनको तो पता होता है, बट फिर भी तो हो जाएगा आपका नियरली, मैथ्स का ही देखें सिर्फ, तो अप्रोक्सीमेट 50 लेक्चर्स, 40 to 50 लेक्चर्स, 50 लेक्चर्स आप लेकर चलो, ठीक है, आपके मैथ्स कंप्लीट, मतलब अच्छे से, बेसिक से, ठीक है। और रीजनिंग के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, रीजनिंग आपकी, क्योंकि रीजनिंग में क्या है ना, आपको ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है, उसमें कंसेप्ट कम है, फॉर्मूलाज इतने नहीं है, लेकिन उसमें आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना आना चाहिए, उसमें आपको मतलब प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे तो वो प्रैक्टिस सेट देंगे हम आपको, ठीक है, रीजनिंग के, तो जैसे कि उसमें तो हम कर सकते हैं, एक चैप्टर को हम एक दिन में पूरा समझ सकते हैं, उसके बाद रेस्ट आप पे डिपेंड करता है कि आप उसके कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ठीक है, वो उस पर डिपेंड करता है। हाँ जी, क्या बोल रहे थे आप, कोई कुछ बोल रहा था अभी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, ठीक है। क्वेश्चन तो सॉल्व कराएंगे आपको, बिल्कुल करवाएंगे। अब जैसे यही है तो इसका एक क्वेश्चन करते हैं,
अच्छा एक चीज़ आपको बताने के लिए रहेगी थी, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू पता है क्या होती है? और फेस, सपोज करो आपके पास नंबर है 231998, ठीक है। अब अगर आप बात करोगे कि व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 2, तो फेस वैल्यू ऑफ 2 इज 2 इटसेल्फ, फेस वैल्यू ऑफ 8 इटसेल्फ, फेस वैल्यू ऑफ 1 इटसेल्फ, इस तरह से। अगर आप बात करोगे प्लेस वैल्यू की, तो 8 इज प्लेस्ड एज 1s, ठीक है। अगर आप बात करोगे 1 की, तो 1s, 10s, 100, 1000, तो प्लेस वैल्यू क्या जाएगी 1 की 1000, वैसे ही 10,000, फिर लैक, ठीक है। तो ये होती है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, ठीक है। ये कुछ छोटा सा कंसेप्ट था बट आना चाहिए आपको। चलो अब आप बताओ, इज डिविजिबल बाय 6 और 9? 6 से डिवाइड हो पाएगा ये या नहीं हो पाएगा बताओ। हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए, ये जो नंबर लिखा है मैंने, क्या ये 6 से डिवाइड हो पाएगा या नहीं? टू से डिविजिबल है ये? क्या बोल रही है? 3 से डिविजिबल नहीं है? 2 से है पर 3 से नहीं है। 2 से तो, 2 के लिए आपने क्या किया, लास्ट डिजिट देखी, दैट इज 6 विच इज डिविजिबल बाय 2। उसके बाद आपने 3 के लिए चेक करना है। 3 के लिए चेक करने के लिए क्या करोगे आप, हर एक डिजिट को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। कितना बनता है इसका सम? 38 प्लस कर लो, 38 है। 38 डिविजिबल बाय 3 और 9, तो मतलब ये नंबर आपका 6 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। ओके देखो, डिविजिबिलिटी टेस्ट के बाद जो आपका एग्जाम में आता है, एक तो है रिमाइंडर वाला, एक आता है यूनिट प्लेस वाला। ठीक है, अब डिस्कस करेंगे हम यूनिट्स प्लेस, ठीक है। कि आपको एक एक्सप्रेशन दिया होगा, आपको बोलेंगे कि बताओ इस पूरे एक्सप्रेशन का जो यूनिट नंबर आएगा, यूनिट प्लेस पे जो नंबर आएगा वो कौन सा होगा, ठीक है। इसके बेसिस पर भी आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं। एक आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट हो गया, एक यूनिट प्लेस और एक रिमाइंडर वाला। इन 3 पे जो है आपका क्वेश्चन आता है और हर बार आता है। मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, उसमें पावर्स में भी हो सकता है। आपको बोल दिया कि 1642 मल्टीप्लाई बाई 2648, यूनिट प्लेस बताओ कितना होगा, ठीक है। तो देखो यूनिट प्लेस में अगर हम बात करें सबसे पहले कि आपका नंबर जो है वो किस तरह से दिया है, इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ठीक है। कि इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर की फॉर्म में अगर आपको कोई भी एक्सप्रेशन दिया है, ठीक है, सपोज कर लो आपको दिया है 207 इंटू 981 इंटू 78, इस तरह से कोई भी नंबर दिया है, ठीक है।
आपको बोला है कि इस नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट प्लेस में कौन सा नंबर आएगा आपका, कौन सी डिजिट आएगी आपकी, ठीक है। आपसे डिजिट पूछी है कि बताओ यूनिट प्लेस में कौन सी आएगी, तो बताओ कौन सी आएगी। अब आप क्या करोगे, सारे को मल्टीप्लाई लग पड़ोगे करने, ठीक है, बट ऐसा करोगे तो टाइम जाएगा आपका। तो इसके लिए क्या होता है, जो इसका फॉर्मूला होता है, शॉर्ट फॉर्मूला होता है, आप क्या करते हो, जो भी इसके यूनिट प्लेस पे नंबर है, जैसे इसका 7 है, इसका 1 है, इसका 8 है, आप इनको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। कितना आया, 56। तो मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर डिजिट होगी, 6, ठीक है। क्लियर एवरीबॉडी, हाँ जी, ठीक है। फिर इसके अलावा ये था कि अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में दिया है, एक्सप्रेशन दिया आपको, ठीक है, लेकिन इसके अलावा क्या हो सकता है, इंडेक्स की फॉर्म में भी दे सकते हैं, यानी कि मान लो एक नंबर है उसकी कोई पावर भी दे सकते हैं, ठीक है। सेकंड टाइप कौन सी आती है कि आपको एक एक्सप्रेशन ही दिया है, आपको एक नंबर दिया और नंबर की कुछ पावर दे दी है, ठीक है। अब आपने बताना है कि यूनिट प्लेस में क्या आएगा, ठीक। और ये क्वेश्चन आपका शायद इस बार भी आया था, ऐसा ऐसा क्वेश्चन 2022 वाले पेपर में, ठीक है। मॉक टेस्ट सीरीज जब भी आप सॉल्व करोगे उसमें आपको एक दो क्वेश्चन इनके देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे कोई भी मॉक टेस्ट, किसी का भी मॉक टेस्ट उठा लो, ठीक है। इसके अब डिफरेंट केसेस होते हैं, टाइम तो आपकी नेक्स्ट क्लास भी है ना, टाइम हो गया अभी 3 बजे ना आपकी क्लास, 3 से 5। इसके डिफरेंट केसेस हैं, ठीक है। केसेस में क्या था कि अगर आपकी पावर में क्या दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है, 9 दिया, तो अलग अलग उसके केसेस हैं, तो उनको हम सॉल्व करेंगे, तो अभी तो टाइम हो गया। इसमें आपको कंसेप्ट के साथ साथ ट्रिक्स प्लस क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ठीक है। बाकी आपने अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप आर एस अग्रवाल ले सकते हो, वहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस आपको ज़्यादा मिल जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा मॉक टेस्ट उठा लो आप प्रीवियस ईयर के, वहाँ पे क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे, ठीक है। टॉपिक वाइज भी आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं, क्वेश्चंस के सेट मिल जाते हैं, है ना, वो आप उठा सकते हो, ठीक है।